सो गाइस, अभी के टाइम में जीएफएक्स टूल या फिर कॉन्फिग कोई भी यूज़ नहीं करता अपने फ़ोन में 60 FPS अनलॉक करने के लिए। तो गाइस, अब भी अगर अपने फ़ोन में BGMI 60 FPS में खेलना चाहते हो तो फिर ये जो वीडियो है पूरा देखना। इसमें जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई भी फाइल आपको डाउनलोड करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो एग्जांपल के लिए देखो गाइस, मैं अपने रेडमी नोट 4 में 60 FPS चला के दिखाने वाला हूँ। तो ये जो फ़ोन है पता है आपको बहुत पुराना है, इसमें 30 FPS अनलॉक रहता है। ओके, तो अगर इस फ़ोन में 60 FPS में अनलॉक कर लूँ तो समझ लो आप कोई भी फ़ोन में इजीली अनलॉक कर पाओगे। देख सकते हो 30 FPS मैक्सिमम है इस फ़ोन में, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें अभी करने वाला हो 60 FPS अनलॉक। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। जाने के बाद आपको जाना है अपने एंड्रॉयड फाइल में, फिर आपको जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको ढूंढना है पबजी का फोल्डर, मतलब BGMI का फोल्डर। फिर उसमें जाना है आपको फाइल्स में, और फिर आपको जाना है UA4 गेम, फिर सर्वडकर एक्स्ट्रा में जाने के बाद फिर से मिलेगा सर्वडकर एक्स्ट्रा, उसमें जाओ। फिर सेव फोल्डर में जाके आपको नीचे ढूंढना है सेव गेम, मिल जाएगा तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको एक फाइल ढूंढना है active.sav। अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको इजीली आपको करना है उसको कॉपी। कॉपी करके आपके फाइल में, मतलब फाइल मैनेजर में कहीं भी पेस्ट कर लो, और याद रखना कहां पर पेस्ट किया। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर। फिर आपको जाना है आपको क्रोम ब्राउज़र में और सर्च करना है SAV एडिटर, और सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा उस पर ईजिली क्लिक कर लो। एंड उसमें जाने के बाद आपको अपलोड फाइल बोलकर एक चीज़ मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका जो आपने जो फाइल कॉपी किया अभी उसी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। ओके, इजीली हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको नीचे सर्च बार में सर्च करना है FPS। ओके, FPS सर्च करने के बाद आपको पहले मिल जाएगा एक चीज़ FPS लेवल, उस पर आपको क्लिक करने के बाद ध्यान से 6 करना है। ओके, आप अगर 6 करते हो तो फिर आपके फ़ोन में 60 FPS अनलॉक होगा, और अगर आप 7 करते हो तो आपके फ़ोन में 90 FPS अनलॉक होगा। ओके, तो ये इजीली करने के बाद डाउनलोड कर लेना उस फाइल को। ओके, और डाउनलोड करने के बाद वो फाइल कहाँ है आप देख लेना। फिर आपको जाना है फाइल मैनेजर में, और वो जो फाइल आपने डाउनलोड किया अभी उसको करना है फिर से कॉपी, या फिर मूव कर सकते हो, मैं तो कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद फिर से जहाँ पर आपने, मतलब जहाँ से आपने फाइल को उठाया था, इजीली जाके वहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। ओके, अब और पहले अगर आपने मूव किया होगा तो आप इजीली पेस्ट कर लो, और अगर मेरे तरह आपने कॉपी किया है तो आपको जाने के बाद वहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, और रिप्लेस करना ज़रूरी है, ध्यान से करना रिप्लेस, कीप मत कर देना गलती से भी। तो रिप्लेस करने के बाद आपका जो है प्रोसेस हो गया है डन, और आपको कोई भी चीज़ नहीं लगा, मतलब फाइल डाउनलोड नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। आपका गेम का फाइल ही मैंने अभी एडिट करके दिखाया आपको, एक्स्ट्रा कोई फाइल नहीं डाउनलोड किया, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में 60 FPS होता है अनलॉक रेडमी नोट 4 में, और ऐसे ही मैंने अपने रियलमी 7 में भी अनलॉक किया है, और ऐसे ही आप भी अपने फ़ोन में 60 FPS ईजिली अनलॉक कर पाओगे। और इसे यूज़ करके ही मैं खेल रहा हूँ बहुत दिनों से। तो जल्दी से आप भी जाके ये ट्रिक ट्राई करो। और हाँ, आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड डाटा फोल्डर ओपन नहीं होता तो आप यूट्यूब में देख सकते हो कि आपके फ़ोन में कैसे ओपन होगा, और बाकी सभी आप सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हो। एंड करने के बाद फीडबैक ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो फ़िलहाल बाय।